पूर्व मुख्यमंत्री व राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द की जाए, जिसको लेकर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह सिलसिला जारी रहेगा जब तक इंडिया गठबंधन जीत न जाए। बीजेपी वाले जितना भी दम लगा लें, लालू प्रसाद यादव हारने वाले व्यक्ति नहीं हैं। देखिए, ये सब तो चलते रहेगा जब तक इंडिया की जीत नहीं हो जाती है, गठबंधन की भाजपा की विदाई केंद्र सरकार से नहीं हो जाती है, तब तक ये सब खेल बीजेपी करते रहेगी केंद्र की सत्ता में बैठकर। इससे न कोई घबरा रहा न कोई भयभीत है। क्या लगता है, और देखिए, लालू प्रसाद जी उस शख्स का नाम है जिन्होंने मुसीबतों को भी झेला है, लेकिन अपनी कभी भी जो लड़ाई वो लड़ते रहे हैं उसके लिए उन्होंने कभी भी भयभीत होकर के कोई समझौता नहीं किया है। जिस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लालू प्रसाद जी ने कमर कस लिया है, तो उसको कोई रास्ते से अब डिगा नहीं सकता है, डरा नहीं सकता है। ये बात विरोधियों को भी अच्छी तरह से भाजपा को पता है।